माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड, अगर आप कोटे से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो सकें। तो इसके लिए एक नोटिस आया है उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का। एक्स सर्विसमैन कोटा सीट आर अवेलेबल फॉर एडमिशन और टू बीटेक फर्स्ट ईयर बी आर्किटेक्ट बी प्लान कोर्सेज। जो एक्स सर्विसमैन कोटा है वो बीटेक करना चाहते हैं, अगर आप बी आर्किटेक्ट करना चाहते हैं या बी प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अवेलेबल है। नेटिव ऑफ द स्टेट उड़ीसा हु आर एलिजिबल टू अवेल दिस कोटा आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट एट राज्य सैनिक बोर्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लेम टू द एक्स सर्विसमैन ड्यूरिंग 13th October to 19th October 2020। तो जो भी उड़ीसा के निवासी हैं जो इसके लिए क्लेम करना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उन्हें राज्य सैनिक बोर्ड जो है उसके पास जाना होगा और उसे एक वैलिडेशन लेके आना होगा 13 से 19 अक्टूबर के बीच में, ताकि वो उसके लिए अप्लाई कर पाएं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोड्यूस रैंक कार्ड विद एप्लीकेशन नंबर ऑफ जेई मेन्स एंड दे हैड टू अपेयर अलोंग विद देयर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द राज्य सैनिक बोर्ड ऑफिस। और कैंडिडेट को ये बताया जा रहा है कि राज्य सैनिक बोर्ड पर जाना है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में अपना जो जेई मेन्स का रैंक कार्ड है वो भी लेके जाएं, और जब उनके ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे राज्य सैनिक बोर्ड से विल रिकमेंड देयर डेटा अलोंग विद एप्लीकेशन नंबर एज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अवेलिंग द एक्स सर्विसमैन कोटा। तो वो इनके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो रेफर करेंगे और अगर वो एलिजिबल होगा तो एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए तो वो भी बताएंगे। After receiving the detailed list from Rajya Sainik Board about the candidate who are eligible for avail of ex-serviceman quota, OG will take necessary step during allotment as per merit and norm of Government of Addition. जब यह सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे मेरिट बनाने में ओजी जो होगा वो उसमें हेल्प करेगा। तो इस टाइप से है। और कैंडिडेट पेरेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट एट राज्य, यही बात लिखी है कि 13 से 19 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। राज्य सैनिक बोर्ड सबमिट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू ओजी बाय 21 अक्टूबर और वो 21 अक्टूबर तक उसकी लिस्ट भेज देंगे और ओजी विल डिस्प्ले द लिस्ट इन वेबसाइट बाय 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।